अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख अहमद मियां निजम न्यूज़ इंडिया में आपका खैर मकदम करता हूं। रिपोर्टर अजीज़ अली की खसूसी रिपोर्ट तेलंगाना सेवक कमेटी की जानिब से वट्टापल्ली नूर कॉलोनी के इलाक़े में मुस्तहिक और गरीब लोगों के दरमियान सरकारी की तकसीम अमल में आई। कोविड-19 यानि कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस वट्टापल्ली इलाके में आने से तकरीबन जगह बैरिकेड्स डले हुए हैं और कई इलाके गलियां टोटल कंप्लीट सील हैं। इसी वजह से तेलंगाना सेवक कमेटी की जानिब से ऐसे इलाकों का दौरा करते हुए वहां पर तरकारी की तकसीम अल में लाए। तेलंगाना सेवक कमेटी का ये भी कहना है कि हम कुछ दिनों के बाद यहाँ पर राशन के भी किट्स तकसीम करेंगे। बस हमारे भैयास भाई एक गली को तरकारी बांट रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ये गली गरीबी की है, फिर दुआ मिलती। देखो अब तक तो कोई दिए नहीं लिए नहीं, देखो ये गली में अब तक कोई बांटे भी नहीं। भैयास भाई पहली बार लेके आए से है तरकारी दिए हमको मिली। तेलंगाना सेवक तेलंगाना से तरकारी मिली भैयास भाई लेके आए, अब तक तो कोई दिए नहीं, कोई नहीं दिए हमारे गली में, कोई राशन नहीं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मैं नूर कॉलोनी से बात कर रही हूँ वट्टापल्ली की तरफ से। तेलंगाना सेवकों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और तकरीबन लॉकडाउन होके एक महीने के बाद हम लोग की गुजारिश करने पर हम आपको तरकारी मुहैया करें तेलंगाना सेवक वाले, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और अगले हफ्ते में इंशाल्लाह वो लोग हमसे वादा करें कि अगले हफ्ते में नेक्स्ट वीक में वो हम आपको चावल भी मुहैया करेंगे। आपसे मैं तकरीबन गुजारिश करती हूँ, गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ नहीं मिला, ये तेलंगाना सेवकों की तरफ से मिला हमें। हम यहाँ खाना खाने के मोहताज थे, उस लिए तरकारी ला कर दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट वीक के लिए ये लोग चावल देने का वादा करें। तेलंगाना सेवकों का बहुत बहुत शुक्रिया। और गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक पैकेट भी नहीं मिली, लॉकडाउन होके एक महीना हो रहा अब मिली हमें तरकारी, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीक में किसी भी तरह इंशाल्लाह कैसा ना कैसा करके हमें राशन भी दिलाइए। तेलंगाना सेवकों से मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं अदबन गुजारिश करती हूँ तेलंगाना सेवकों से, शुक्रिया बहुत बहुत। तो
अल्लाह की बरकत। तो भाई तेलंगाना सेवक की तरफ से यहाँ पे तरकारी की पैकेज बांटे हुए हैं भाई लोग, जब से लॉकडाउन हुआ खाने का इंतज़ाम नहीं कर रहे हैं पैकेट, बस भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। अट्टापल्ली रोशन कॉलोनी है, अट्टापल्ली रोशन कॉलोनी, अट्टापल्ली रोशन कॉलोनी। आज हम लोग अट्टापल्ली में हैं रोशन कॉलोनी, यहाँ पर जो सो ना देखिए आप, ये लॉकडाउन होके यहाँ पर कोरोना पेशेंट का जो सो ना पॉजिटिव आया था, और हमारे शुक्रिया अदा करता हूँ जो डॉक्टर्स इनको जो सो ना नेगेटिव में नेगेटिव आया, अभी पॉजिटिव बोल के लेके गए थे ट्रीटमेंट करने के बाद नेगेटिव है इनको, और जो पेशेंट जो डॉक्टर्स इनको जो ट्रीटमेंट करे हम लोग उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, जो पेशेंट्स को अच्छा ट्रीट करके जो सो ना पॉजिटिव से नेगेटिव करे ये लोग, और जो सो यहाँ के पुलिस और JHMC लोगों के भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, ये लोग जो सो ना यहाँ पर बैठ कर जो सो ना रात दिन एक कर कर जो सो ना यहाँ पर पब्लिक को मेंटेन कर रहे हैं ये लोग, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अनुरोध डॉक्टर अनुरोध माथुर का जो हमारे को आज जो सो ना ताउन करे उन्होंने, इसके उनको शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, और एवन क्राइम न्यूज़ का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे को यहाँ तक बुलाए हैं वो लोग फ़ोन करके के जो सो ना यहाँ पर वेजिटेबल लोग तरकारी की बहुत तकलीफ़ हो रही, बाहर नहीं निकल सक रहे, तो हम लोग जो सो ना, और 4K का भी शुक्रिया अदा करता हूँ मैं जो हमारे को यहाँ तक बुला के जो सो ना यहाँ पर तरकारी वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कराने लगा है, शुक्रिया अदा करता हूँ। अब हम लोग जो सो ना स्टार कॉलोनी में भी जाएंगे, और जैसे अकबर कॉलोनी में भी जाके जैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमारे पास जो सो ना अभी वेजिटेबल पैकेट्स बहुत है, जो सो ना हम लोग पूरा पूरा डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोग अभी घर को जाएंगे। अट्टापल्ली रोशन कॉलोनी है ये, और तकरीबन जितने भी यहाँ पर गरीब आवाम है जिसको तकलीफ़ हो रही है, तो मैं देख रहा हूँ मिडिल क्लास पब्लिक को बहुत तकलीफ़ हो रही है, वो लोग बता नहीं सक रहे हैं कि जो सो ना हमको ये तकलीफ़ हो रही बोल के, तो हम लोग उनके डोर टू डोर जाके भी जो सो ना घर पे जो सो ना वेजिटेबल जो पैकेट देंगे।